तो बाबलो वो घड़ी आ गई जिसके लिए शायद मैं और तुम काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। आज बात करेंगे एगोन फर्स्ट टारगेरियन यानी एगोन द कॉन्करर के बारे में, जिसे एगोन द ड्रैगन भी कहा जाता था, प्रोटेक्टर ऑफ द रैल्म भी कहा जाता था, फर्स्ट किंग ऑफ द सेवन किंगडम भी कहा जाता था, और एकमात्र बंदा जिसने टारगेरियन डायनेस्टी की नींव रखी सेवन किंगडम्स की। टारगेरियन का खौफ इसी बंदे ने बनाया, वो भी जबरदस्त। तो फटाफट वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं। तो बाबा इस बंदे का जन्म ड्रैगन स्टोन पर ही हुआ था अराउंड 27 बीसी में एरियन टारगेरियन और वलीना वलेरियन के द्वारा। लंबा चौड़ा अच्छी खासी कदकाठी का यह बंदा था, काफी हैंडसम और दिखने में काफी आकर्षक, काफी लड़कियां इस पे मरती थी। एकमात्र दोस्त था इसका और इस बराथियन जो उसका हाफ ब्रदर था, बास्टर्ड हाफ ब्रदर। ड्यूरिंग द वॉर मतलब कभी भी जब ये युद्ध के लिए जाता था तो काले रंग का बॉडी गार्ड ही पहनता था और यही पसंद करता था, और उसकी तलवार का नाम ब्लैक फायर था जो एक वलेरियन स्टील थी जिससे इसने काफियों के धड़ अलग करे थे। इसका सबसे चहीता ड्रैगन था वलेरियन जिसको वो राइड करता था और जो लार्जेस्ट एवर ड्रैगन है टारगेरियन हिस्ट्री में। और कहा ये तक जाता है कि भाई साहब जब भी उसका ड्रैगन किसी भी छोटे मोटे टाउन के ऊपर से निकलता था तो पूरे टाउन को उसकी परछाई, उसके ड्रैगन की परछाई एक बार में निकल जाया करती थी। साथ में बफेलो या फिर ऑक्स जितने जानवर को ये उसका ड्रैगन एक बार में ही निकल जाया करता था। अपनी बीवियों को बड़े प्यार से रखता था, दो बीवियां थी इसकी जो इसकी खुद की सगी बहनें थी, विसेनिया टारगेरियन और रैनी टारगेरियन। सत्ता पे कम ही बैठता था और काफी अपने बीवियों के हाथ में छोड़ दिया करता था ये पूरी सत्ता राजपाट उनको देखभाल करने के लिए। काफी अच्छे किंग में काउंट करा जाता है जो अपनी प्रजा और जो उसके सामने सरेंडर करते थे उसको बहुत पोलाइटली ट्रीट करता था, लेकिन उसे कोई आंख दिखाता था तो हिसाब गांड फाड़ के भी रख देता था। एकदम सॉलिड पर्सनैलिटी थी, बिल्कुल हेरोइक पर्सनैलिटी जो हमें अक्सर हीरोइज में देखने को मिलते हैं, काफ़ी आपने मूवीज में देखा होगा, बिल्कुल वैसी ही पर्सनैलिटी। शुरुआती जीवन में जब पेंटोस और टायरोस से मदद की पुकार आई तो वलेरियन को लेकर उनकी मदद करने को भी गया और उनके दुश्मनों को जबरदस्त धूल चटा कर भी आया ये बंदा। जब ये अपनी जवानी में था और वेस्टरोस के अपने आसपास के राज्यों को जब इसने घूमना शुरू किया तो लाइक सिटाडेल या फिर कास्टरली रॉक हो गए जहां पर लैनिस्टर राज करते थे, और भी जगह जब इसने घूमा वेस्टरोस के काफ़ी जगह पर, तो उसे अंदर से अब पूरे वेस्टरोस को जीतने की इच्छा जगने लगी, जिसके लिए उसने एक बड़े से लकड़ी की टेबल में पूरे 7 किंगडम का मैप बनाया, उसमें जबरदस्त कलाकारी करवा के एज इट इज जो जो प्लेस जहां जहां है पूरे वेस्टरोस की जो 7 किंगडम्स वैसा ही उसने बनाया, और उसे देख देख कर उसे अब जीतने की इच्छा रोज जगने लगी। तब उसने ठाना कि ये 7 राज्यों की जगह एक साम्राज्य होना चाहिए, और फिर उसने अपनी जर्नी शुरू कर दी 7 किंगडम्स को जीतने की। और इस बीच बहुत से मोमेंट को फेस करना पड़ा उसे, बहुत ने एगोन और उसके ड्रैगन को देखकर ही घुटने टेक दिए आसानी से, कुछ ने ट्रीटी करनी चाहिए और कुछ ने जो इसने आग दिखा रहे थे या फिर जो उसके सामने घुटने नहीं टेक रहे थे भाई साहब उसे वो बहुत बेरहमी से मारते हुए आगे बढ़ा। और स्टॉर्म किंग नाम का एक बंदा भी आया जिसने अपनी बेटी को ऑफर करा ट्रीटी के लिए, मैरिज के लिए, जहां दहेज में उसने ऐसी लैंड ऑफर करी जो आगे जाकर हैरन हॉल की तबाही में साबित हुआ, क्योंकि उसने हैरन हॉल के कुछ एक लैंड को ऑफर किया जो उसके कब्जे में थे ही नहीं, उस स्टॉर्म किंग के कब्जे में थे ही नहीं। और यहाँ पर एगोन द कॉन्करर को लगा कि चलो ठीक है कि मैं तुम्हारी उन लैंड्स को ले लूंगा, लेकिन भाई मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता, मुझे तीसरी बीवी रखने का कोई शौक नहीं है। जहाँ पर उसने फिर उस आगे जाकर हैरन हॉल को वो चिट्ठियां वगैरह दी ट्रीटी समझौते के लिए कि भाई साहब ये कब्जा हमारा हो चुका है, लेकिन वहां से रिफ्यूजेस आए तो बाबा यहां से उसकी फिर आग जली और उसने वहां जाकर पूरे हैरन हॉल को जबरदस्त तरीके से तबाह किया था। जो आपने हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 पर जो हैरन हॉल की चरमराई हुई व्यवस्था देखते होंगे उस महल की, वो भाई साहब इसी ने कर रखा है। उधर नॉर्थ में विंटरफेल ने भी घुटने टेक दिए, हाई टावर्स ने भी घुटने टेक दिए, लैनिस्टर्स ने भी घुटने टेक दिए, और ऐसे करते करते पूरे 6 किंगडम इसके हत्थे आ गए। पूरे 6 किंगडम को इसने जबरदस्त तरीके से आसानी से जीत लिया, लेकिन एकमात्र डॉर्न ही था जिसने उसके सामने ना घुटने टेके ना हार मानी। यहाँ एगोन को भाई साहब डॉर्निस से लड़ते हुए काफी नुकसान भी झेलना पड़ा, जितना नुकसान बाकी के 6 किंगडम्स में नहीं झेलना पड़ा उसे लड़ते हुए, उससे कहीं ज्यादा इसे यहाँ पर झेलना पड़ा। भाई अपनी सेकेंड वाइफ को इसे खोना पड़ा जो अपने ड्रैगन के साथ ही मारी गई थी बाय द स्कॉर्पियन बो, जो सीधा मेराक्सिस की आंख में जाकर लगता है, और रैनी जो ड्रैगन के ऊपर सवार थी वो दोनों एक साथ गिरते हैं और वहीं पर
खलास हो जाती है, जिसके बाद उसे भयंकर गुस्सा आता है और पूरे डॉन को वो बुरी तरीके से तबाह कर देता है। लेकिन बाद में आगे जाकर सुलह हो जाती है और सातों किंगडम उसके हाथ आ जाते हैं और सातों किंगडम को वो अच्छे से रूल करना शुरू कर देता है। शासन के शुरुआत दौर में उसने अपने राजपाट ड्रैगन स्टोन से किंग्स लैंडिंग को शिफ्ट कर दिया था, जहां बाद में उसने उसे फोर्टिफाई भी कराया किंग्स लैंडिंग को, जो बाद में आगे चलकर रेड कीप के नाम से जाना जाएगा। उसने बेटर रूल के लिए एक काउंसिल बनाई जहां अच्छे से सारी व्यवस्था की देखरेख हो सके, राजपाट के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर को आराम से देखा जा सके और उस पर चर्चा करा जा सके, ताकि जनता और प्रजा और जो भी ट्रीटियाँ उसके साथ हुई हैं, जो बाकी के किंगडम्स उसके साथ जुड़े हैं उनके साथ, उनके ऊपर से उसका ध्यान ना हट सके, जो वो काउंसिल वो सारे अफेयर संभालने लग गई थी, क्योंकि अकेला राजा हर जगह ध्यान नहीं दे सकता। और बहुत ही इंटेलिजेंटली सातों किंगडम को चलाने के लिए फाइन फाइन स्टेप्स लिए, जहां लॉ पर, भाई साहब लॉ पर बहुत अच्छा ध्यान दिया इस बंदे ने। बाकी इंटरनल अफेयर विथ ऑल सेवन किंगडम्स के लिए अच्छे खासे फाइन डिप्लोमेट चुने, जो उसके पीठ पीछे इन सातों किंगडम्स की देखरेख कर सके। एगॉन टू के दो ही बच्चे थे, दोनों रानियों से एक एक बच्चा था, रैनिस से एनिस टारगेरियन और विसेनिया टारगेरियन से मेगा टारगेरियन, जो आगे जाके अपने ही भाई को मारेगा, कौन, मेगा टारगेरियन, और बाद में कहलाया जाएगा मेगार द क्रूअल। कुछ समय बाद किंग्स लैंडिंग पर शासन करने के बाद एगॉन द कॉन्करर ने अपना राजपाट पूरा काउंसिल सहित ड्रैगन स्टोन पर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उसे बाद में लगा कि किंग्स लैंडिंग जो जगह थी भाई उसे वो फोर्टिफाई नहीं करा पाया था, तो वो उसकी फोर्टिफाई के लिए जब तक कंस्ट्रक्शन चलता उस दौरान वो उसने सोचा कि ड्रैगन स्टोन पर अपनी सत्ता को ले जाया जाए, क्योंकि हर वक्त मैं या फिर मेरे ड्रैगन्स या फिर मेरी बीवियों के ड्रैगन हमेशा किंग्स लैंडिंग पर नहीं रह सकते, लेकिन समुद्री लुटेरे वगैरह जो आएंगे आगे जाकर राजपाट या फिर सत्ता या फिर फैमिली के लिए सेफ स्टेप नहीं है, दैट्स वाई कि उसने वो वहाँ से शिफ्ट कर दिया ड्रैगन स्टोन के लिए। लेकिन जब उसने ड्रैगन स्टोन पर शिफ्ट कर दिया तो 63 की उम्र पर ये बूढ़ा होकर हार्ट अटैक से मारा गया, तब जब ये अपने ग्रैंड सन्स को अपनी कॉन्क्वेस्ट की कहानियों को सुना रहा था। और यहाँ एगॉन वन के बाद उसके बच्चों ने साम्राज्य संभालना शुरू कर दिया, लेकिन कहा यह जाता था कि एगॉन के टाइम पर साम्राज्य में काफी शांति रहती थी और उसने सभी को बहुत रेस्पेक्ट भी देता था। बाकी भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि यार एगॉन दी कॉन्क्वेस्ट की कोई कहानी अभी देखने को नहीं मिली, सुनने को नहीं मिली, तो बाबा ये जरूरी था, उसकी बायोपिक बताना बड़ी जरूरी था, दैट्स वाई कि इस पार्ट में उसकी बायोपिक को हमने देखा कि कहाँ उसका जन्म हुआ, क्या क्या उसकी जर्नी रही है। आगे नेक्स्ट चैप्टर पे यानी नेक्स्ट वीडियो पे बात करने वाले हैं एगॉन दी कॉन्क्वेस्ट के बारे में, जितने भी उसने साम्राज्य को जीता है और कहाँ से उसने कैसी शुरुआत करी थी, कितना खून खराबा किया था और किस किस ने घुटने कैसे टेके थे या फिर इसने ज़बरदस्ती घुटने टिकवाए थे, लाइक लैनिस्टर्स, लाइक हाईटावर्स, लाइक स्टार्क्स भाई, और बाकी डॉर्न वॉर तो सबसे घातक वॉर था, जिसमें बहुत राज छुपा पड़ा है, बहुत रोमांच छुपा पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान उसे झेलना पड़ा था। तो आगे नेक्स्ट वीडियो पे भाई साहब एगॉन दी कॉन्करर की कॉन्क्वेस्ट के बारे में ही बात करेंगे, जहाँ से उसने साम्राज्य को जीतना शुरू कर दिया था और कितना पागल हो चुका था ये। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर, और भी कोई सवाल आपको हो तो नीचे जरूर बता के जाना। बाकी और भी किस चीज़ पर बात कर सकते हैं एगॉन दी कॉन्करर के लिए, कैसी प्रिपेरेशन कर सकते हैं आपके हिसाब से, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स पर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुंच गए हो तो उसका वीडियो पसंद आई है, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करो बाबा, बहुत बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।